इस समय की सबसे बड़ी अपडेट अमेरिका कोविड-19 और चाइना को लेकर आ रही है और ये भारत से भी लिंक्ड है। इसके साथ ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक इतिहास का सबसे बड़ा यूटर्न मार लिया है, जिसके बाद अब भारत के अंदर सस्पिशंस खड़ी हो गई है कि कल को जब भारत और चाइना ये दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, दोनों देशों के बीच जब कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा उस समय अमेरिका क्या करेगा? क्या अमेरिका भारत का बचाव करने के लिए आएगा भी, भारत को सपोर्ट करेगा भी, या फिर अमेरिका बहुत ही आराम से बाहर बैठकर भारत और चाइना को एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए देखेगा, एक दूसरे को बर्बाद करते हुए देखेगा। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको YouTube के ऊपर इन दिनों हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो अपडेट करते हैं सबसे पहले इसी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पोस्ट करते हैं, इसलिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अब ये चीज तो हमको पता है कि कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में कई सारी लोगों की मौत हुई, कई सारे लोगों को सफर करना पड़ा और कई सारे देश जो कि कोविड-19 के कारण आर्थिक मंदी का सामना कर रहे थे वो अभी भी रिसेशन से बाहर नहीं निकल पाए हैं, और जो कोविड-19 से पहले उनकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ हो रही थी वो उन्होंने अभी भी अचीव नहीं की है। इसके साथ ही दुनिया भर में काफी सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी कोविड-19 से जो उनको लॉस हुआ था वो रिकवर नहीं किया है, और इस धरती के ऊपर लगभग हर एक इंसान कोविड-19 के कारण प्रभावित हुआ था, जिसके कारण दुनिया के सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार ये कोविड-19 और ये जो कोरोना वायरस था ये आया कहाँ से था, कौन से देश से ओरिजिनेट हुआ था, कहाँ से पैदा हुआ था। अब जब ये सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया था, पूरी दुनिया की सरकारें इसके पीछे पड़ गई थी, उस समय अमेरिका फ्रंट में आ गया था, और पिछले 3 साल से हम देख रहे थे कि अमेरिका की कई सारी एजेंसीज, अमेरिका की सरकार, व्हाइट हाउस, ये सारे मिलकर ये क्लेम कर रहे थे कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस चाइना से ओरिजिनेट हुआ है, यानी चाइना से स्टार्ट हुआ है। कोविड-19 के बारे में कहा जा रहा था कि चाइना के अंदर वुहान शहर में एक हुनान मार्केट है। अब आपको याद होगा जो बाइडेन से पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे, उन्होंने तो चाइना के ऊपर ओपनली ब्लेम डालते हुए ये चीज क्लेम की थी कि जो कोविड-19 का वायरस है ये चाइना के वुहान शहर से ही आया है और इसके पीछे चाइना ही है। इसके साथ ही अमेरिका के कई सारे थिंक टैंक्स और बड़े बड़े रिसर्चर्स ने ये क्लेम किया कि ये जो कोरोना वायरस था यानी कि कोविड-19 ये पहले एनिमल से ह्यूमंस में आया, यानी वुहान शहर में किसी भी व्यक्ति ने वहाँ पर किसी वाइल्ड एनिमल को खाया होगा, उससे वो उस ह्यूमन बॉडी में एंटर हुआ और वहाँ से बाकी लोगों में फैला और वहाँ से चाइना से पूरी दुनिया में ये चीज फैल गई। इसके साथ ही कई सारे लोगों ने तो बैट्स की भी यानी चमगादड़ों की भी थ्योरीज मार्केट में फैला ली थी और ये बताया जा रहा था कि ये जो कोविड-19 है यानी कि कोरोना वायरस ये बैट से ही इंसानों में आया है। अब जो ये अमेरिका के कई सारे थिंक टैंक्स और रिसर्चर्स इस तरह की थ्योरी दे रहे थे, इसके ऊपर दुनिया भर के कई सारे लोगों ने विश्वास इसलिए कर लिया क्योंकि जो चाइना का वुहान शहर है जहाँ पर कोविड-19 सबसे पहले फैला था वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी है जहाँ पर कई सारे अलग अलग तरह के वायरसेस के ऊपर रिसर्च होती है। अभी जो वुहान शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी था यहाँ पर एक समय पर कोविड-19 फैलने से पहले कोरोना वायरसेस के ऊपर भी रिसर्च हुई थी, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर हुनान मार्केट है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स के मीट और सी फूड को बेचा जाता है। अब जब कोविड-19 चाइना के वुहान शहर में फैला था तो चाइना ने सबसे पहले इसी मार्केट को सील किया था, इसी कारण से इस मार्केट को लेकर काफी सस्पिशंस पैदा हुई थी और उस समय दुनिया भर में ये क्लेम किया जा रहा था कि जो कोविड-19 और कोरोना वायरस है वो इसी वाइल्ड एनिमल्स और सी फूड मार्केट से पूरी दुनिया में फैला है। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने ये कहा था कि उनको इस बात के सबूत मिले हैं कि ये बहुत ही हद तक पॉसिबल है कि ये जो कोरोना वायरस था यानी कि कोविड-19 ये वुहान की एक लैब से लीक हुआ है, लेकिन इस चीज के उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इसलिए वो ये चीज लो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। इसके साथ ही इसी साल 1 मार्च को अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका का जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो इस चीज को बिलीव करता है, यानी वो चीज मानता है कि ये जो कोविड-19 था यानी कि कोरोना वायरस ये चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड वुहान में जो लैब है वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। अब आप सोचिए कि अगर FBI ये बिलीव करती है कि कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस चाइना की वुहान लैब से लीक हुआ है तो इसके ऊपर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के लोग विश्वास करेंगे, और ये स्टोरी ना सिर्फ अमेरिका की हेडलाइंस में होगी बल्कि दुनिया भर में इसको कवर किया जाएगा। अब जब अमेरिका इस तरह के चाइना के ऊपर आरोप लगा रहा था, अमेरिका की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज चाइना की वुहान लैब के बारे में इस तरह की स्टोरीज और इस तरह की स्टेटमेंट दे रही थी तो पूरी दुनिया ने इस चीज को बिलीव कर दिया था कि ये जो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस है ये चाइना से ही आया था। लेकिन अब अचानक से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है और जो अमेरिका की सरकार का अभी तक स्टांस था इस चीज को पूरी तरह से बदल दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल भी होगा।
दरअसल अमेरिका के अंदर यूएस इंटेलिजेंस के हेड ने ये चीज क्लेम किया है कि उनके पास इस बात का एक भी सबूत नहीं है कि ये जो कोविड-19 का वायरस था ये एक्चुअल में चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड वुहान रिसर्च लैब से ओरिजिनेट हुआ था या फिर इसको वहां पर बनाया गया था। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड का कहना है कि ये जो कोविड-19 के लिए अभी तक हम चाइना को क्रिटिसाइज कर रहे थे और जो चाइना को हम बुरा भला कह रहे थे ये बिल्कुल गलत है और इस बात के सबूत ही नहीं है कि ये वायरस चाइना के अंदर क्रिएट हुआ था या फिर वहां से ओरिजिनेट हुआ था। अब ये चीज अमेरिका के अंदर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने कही है और उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसको अभी हाल ही में डीक्लासिफाइड किया गया है। अब जो अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, उनको ये रिपोर्ट पब्लिक इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अमेरिका के अंदर कुछ लॉ मेकर्स थे वो कोविड-19 की ओरिजिनेशन को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठा रहे थे और उन्होंने इस थ्योरी के बारे में सवाल उठाए थे कि कोविड-19 स्टार्ट होने से पहले चाइना की वुहान लैब में कुछ 3 साइंटिस्ट जो वहां पर बीमार हुए थे जो कोविड-19 से पहले ही इन्फेक्ट हो गए थे उनमें ये वायरस किस तरह से आया था, क्या उन्होंने ये वायरस खुद क्रिएट किया था या फिर इसके पीछे चाइनीज गवर्नमेंट कोरोना वायरस के ऊपर कोई स्टडी कर रही थी या फिर चाइना की सरकार से गलती से रिलीज हो गया है। इसके ऊपर ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका ने कहा है कि उनके पास जो भी इंटेलिजेंस कलेक्ट हुई है यानी जो भी उनके पास खुफिया जानकारी आई है उसके मुताबिक चाइना की वुहान लैब के अंदर जो वहां पर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे वो कोरोना वायरस से मिलते जुलते एक कोविड-19 के वेरिएंट के वायरस के ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कर रहे थे लेकिन उनके पास इस बात के ना ही कोई पुख्ता सबूत है या फिर ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये जो रिसर्च वहां पर कंडक्ट की जा रही थी यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा रही थी ये उसी स्पेसिफिक कोविड-19 के वायरस के ऊपर की जा रही थी या फिर इसके क्लोज किसी प्रोजेनिटर वायरस के ऊपर की जा रही थी जिसके कारण वो इस चीज का पता नहीं लगा सकते हैं कि एक्चुअल में इस पैंडेमिक का सोर्स क्या था। इसलिए जो अमेरिका के अंदर लॉ मेकर्स इस चीज को क्लेम कर रहे हैं कि कोविड-19 का वायरस जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान वहां पर गलती से रिलीज हुआ है या फिर इसको जानबूझकर क्रिएट किया गया था इस चीज के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है और ये बेसलेस स्टोरी है। अभी जो अमेरिका के अंदर ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है इसके अंदर अमेरिका की काफी सारी एजेंसीज आती हैं जैसे कि NSA, CIA, FBI ये सारी ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के अंदर ही काम करती हैं, यानी इनको यही हेड करते हैं। इसलिए ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने जो ये रिपोर्ट डीक्लासिफाई की है इसको पूरे अमेरिका में पढ़ा जा रहा है और ये आज की डेट में अमेरिका के मीडिया में बिल्कुल हेडलाइंस में चल रही है और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इसको पूरी दुनिया में कवर किया जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका के ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने ये चीज भी बोली है कि जो अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो इस चीज के ऊपर दो हिस्सों में है कि ये जो पेंडेमिक थी यानी कि कोविड-19 क्या ये नेचुरल कारणों से पैदा हुआ था, क्या ये किसी एनिमल यानी कि बैट से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हुआ था और फिर वहां से बाकी लोगों में फैला या फिर ये लैब में क्रिएट किया गया वायरस था। इसके साथ ही अमेरिका के ऑफिस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने इस चीज को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है कि जो कोविड-19 का वायरस था इसको चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी ने बायो वेपन के तौर पर पैदा किया था और ये जानबूझकर पूरी दुनिया में फैलाया था। यानी अगर इस चीज को एक तरह से देखें तो यहाँ पर अमेरिका ने कोविड-19 की ओरिजिनेशन को लेकर जो चाइना के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे और जो चाइना के ऊपर पूरी दुनिया में आरोप लगाए जा रहे थे इससे चाइना को क्लीन चिट दे दी है और ये साफ तौर पर कह दिया है कि कोविड-19 के पीछे चाइना को दोषी करार देना ये बिल्कुल गलत है और चाइना इसके पीछे नहीं है और जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है ना ही उसने इसको बायो वेपन के तौर पर पूरी दुनिया को हार्म करने के लिए पैदा किया था। अब अगर आप अमेरिका के बिहेवियर को देखेंगे तो इन दिनों अमेरिका चाइना के सामने सरेंडर करते दिखाई दे रहा है। अगले साल अमेरिका के अंदर वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं और उससे पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन इनका बिहेवियर अचानक से चेंज हो रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि एंटनी ब्लिंकन ने अचानक से चाइना में जाकर वहां पर ये घोषणा कर दी थी कि अमेरिका ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ताइवान चाइना से आजाद हो या फिर ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश है और अब ये कहना है कि कोविड-19 के पीछे चाइना बिल्कुल नहीं था ये दर्शाता है कि अमेरिका चाइना को लेकर अपनी पॉलिसीज फाइनली नहीं कर पा रहा है और अमेरिका को समझ नहीं आ रही है कि वो चाइना को टारगेट करे, चाइना से डिस्टेंस मेंटेन करके रखे या फिर चाइना को अपने करीब रखे। या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका को ये लगता है कि अब चाइना इतना बड़ा हो चुका है कि चाइना को ना ही इग्नोर किया जा सकता है और ना ही चाइना को पनिश किया जा सकता है, इसलिए अमेरिका चाइना को लेकर जो अपनी स्ट्रेटेजी थी उसमें फेरबदलाव कर रहा है। अब ये चीज भारत के लिए भी काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है क्योंकि अगर अमेरिका चाइना को काउंटर नहीं करेगा तो कल को जब भारत और चाइना किसी भी तरह के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में होंगे, दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की अगर कोई सैन्य झड़प होती है तो समय अमेरिका भारत का साथ बिल्कुल नहीं दे पाएगा और इस चीज की संभावना कम हो जाएगी कि अमेरिका भारत की मदद करे।